कुक विद लवली में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा करी। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम अंडे को फोड़ लेंगे। ये हमने बॉयल अंडा लिया है। ऐसे ही हम सारे अंडे के छिलका उतार लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर अंडे को छील लिया है। यहाँ पर हमने 8 अंडे लिए हैं। कढ़ाई में हमने 3 बड़े चम्मच ऑयल डाल लिया है। अब इसको हम गर्म कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। हमें ऑयल अच्छे से ही गर्म चाहिए और इसमें हम डालेंगे अंडे। अब अंडों को चला देंगे। इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। यहाँ पर देखिए अंडे अच्छे से भुन चुके हैं। अब इनको हम बाहर निकाल लेंगे। अब हम उसी ऑयल में डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा और डालेंगे 6 से 7 लौंग और डालेंगे 7 से 8 काली मिर्ची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी जावित्री और डालेंगे 2 तेजपत्ते के पत्ते। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इनको कुछ सेकंड तक भून लेंगे। और इसमें डालेंगे 2 कटी हुई हरी मिर्ची और इसी के साथ डालेंगे 1 कटी हुई प्याज लंबा लंबा। इनको हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं। अभी डालेंगे हम 2 बड़े साइज़ के प्याज का पेस्ट। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे प्याज के पेस्ट को। देखिए यहाँ पर प्याज का पेस्ट भूनते भूनते 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। 3 बड़े साइज़ के टमाटर का पेस्ट बना लिया है। देखिए अब इसको हम मिला लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों में। अब टमाटर को हम 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे ऑयल ऊपर आने तक। देखिए टमाटर अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले। सूखे मसाले में डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इन सभी मसालों को मिला देंगे अच्छे से। सूखे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हम ग्रेवी के अनुसार डालेंगे। थोड़ा सा और डालेंगे। अब हम इसको ढककर एक उबाल आ जाने तक पका लेंगे।
देखिए यहाँ पर ग्रेवी में उबाल आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ये अंडे फ्राई किए हुए। इसको हम मिक्स कर देंगे अंडों को ग्रेवी के साथ। अब हम इसको ढककर 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। अब 5 मिनट हो चुके हैं, अब गैस को बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग। आप पहले भी डाल सकते हो। अब मिक्स कर देंगे इसको। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। धनिया को अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए यहाँ पर धनिया अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए यहाँ पर अंडा करी बनकर तैयार है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें।